नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष कोला। आज मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला हूं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक तो है IMA वर्सेस बाबा रामदेव, या कहें एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, और सेकंडली हम बात करेंगे जो ट्विटर के ऊपर केसेस फाइल किए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ ट्विटर के अगेंस्ट फाइल किए जा रहे हैं, या फिर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फाइल किए जा रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं दो वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ, IMA वर्सेस बाबा रामदेव और ट्विटर बैन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो या तो आई बटन में मैं कहीं पर दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो वो चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले मुद्दे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जॉन ऑस्टिन जयलाल के ऊपर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स उनके ऐसे निकल के आते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनके एक ट्वीट में लिखा हुआ था कि कोरोना वायरस से तो हमको जीसस ही बचा सकते हैं, जीसस ही हमको क्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अगर पद पे अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर रहते हुए आप ये सब बातें नहीं बोल सकते। उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे भी आरोप लगे हैं, एक कंप्लेंट तक ऐसी उनके अगेंस्ट फाइल करी गई है जिसके अंदर ये लिखा है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पेशेंट्स तक को कन्वर्ट करने की कोशिश करी है क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो ये चीज़ें देख के हमको हैरान करती हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अपने पद पर रहते हुए ऐसे ट्वीट्स और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। हालांकि ऐसे पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस स्टेटमेंट्स ऐसी प्रीचिंग नहीं करनी। IMA वर्सेस बाबा रामदेव का कॉन्फ्लिक्ट तब ज़्यादा सामने देखने को मिला जब बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दे दी थी मीटिंग के दौरान। तब कहा था उन्होंने कि एलोपैथी की दवाइयाँ खाने से उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं, उनकी काफ़ी सारी दवाइयाँ फेल हो गई हैं, जिसकी वजह से अब उसके ऊपर भरोसा सा नहीं रहा है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद IMA ने एक केस फाइल किया बाबा रामदेव के अगेंस्ट, और जब वो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज का कहना ये था कि बाबा रामदेव के पास भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है, उनके पास भी तो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर उनके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको ऐसा देखने को मिला है कि काफ़ी सारी दवाइयाँ फेल हो गई हैं और काफ़ी सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स हुआ है उन दवाइयों की वजह से, तो वो अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं रख सकते, वो अपना बात क्यों नहीं रख सकते लोगों के सामने। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो IMA को ये तक कह दिया कि जितना आप टाइम वेस्ट बाबा रामदेव के ऊपर कर रहे हैं, अगर इतना टाइम आपने कोरोना वायरस की दवाई बनाने में लगा दिया होता तो लोगों के काम आ गया होता। तो IMA वर्सेस बाबा रामदेव वाला कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है और काफ़ी सारे केसेस एंड कंप्लेंट्स फाइल किए गए हैं। IMA का कहना ये है कि बाबा रामदेव को अपने स्टेटमेंट पर माफी मांग लेनी चाहिए और अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। तो जिस तरीके का आरोप और एलिगेशन बाबा रामदेव ने एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर लगाया था, उसी तरीके का आरोप IMA ने कोरोनिल के ऊपर भी लगा दिया। तो हम और आप दोनों देख के भी हैरान होंगे कि डॉक्टर्स तक और IMA के प्रेसिडेंट तक के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो रिलीजियस कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं और ऐसी सोच रखते हैं, तो ये देख के हैरानी होती है कि हिंदुस्तान में आखिर अभी तक ये क्या चल रहा है। चलिए अब दूसरे अपने मुद्दे पर चलते हैं जो ट्विटर का मुद्दा है। आखिर कब तक ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी ऐप्स अपनी मनमानियां करती रहेंगी। RSS के हेड मोहन भागवत जी का अकाउंट तक इन्होंने अनवेरीफाइड कर दिया था थोड़ी देर के लिए, जब इनको देखने को मिला कि काफ़ी सारे लोगों ने अब हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, तो चलो ठीक है इसको वापस से सही कर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे नेशनलिस्ट हैं जिनकी आवाज़ दबाने की ये कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके का मैसेज सोसाइटी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर देना चाहते हैं, किन लोगों की ये आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। कंगना रनावत का तो अकाउंट इन्होंने पहले ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो नेशनलिस्ट थी और उन्होंने सरकार का सपोर्ट करने की कोशिश करी थी। सिर्फ और सिर्फ वो रोई थी बंगाल वायलेंस के ऊपर और उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी मनमानियां इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक चेक रखने की जरूरत है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसी के ऊपर काम कर रही है हमारी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है हमारी देसी ऐप्स को, हमारे इंडियन डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स को। उनकी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। हम जब तक अपने इंडियन मेड चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे और आगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। हमको भी कहीं ना कहीं अपने इंडियन डेवलपर्स का साथ देने की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारे जो जितने भी इंडियन डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बहुत कैपेबल हैं, बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बाहर जाके काम करते हैं, कहीं ना कहीं CEO बनते हैं कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के, जैसे कि गूगल हो गया। अब तो नाइजीरिया ने भी ट्विटर को बैन कर दिया है और ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्विटर को बैन कर रखा है। तो अगर इंडिया भी अगर ट्विटर को बैन कर दे तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया के अंदर, बल्कि ये तो अच्छा ही होगा कि जो भी लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं इंडिया के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं ट्विटर को यूज़ करते हैं
और जब ट्विटर ही बैन हो जाएगा तो उनको भी मुश्किल फेस करने को मिलेगा कि अब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाए इंडिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, और अगर कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी चेक रखने की कोशिश करेगी मिनिस्ट्री। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहा था कि इन नियमों को मानना है 25 मई तक, 25 मई या 26 मई तक की इनकी लास्ट डेट थी। मगर ट्विटर ने अभी तक इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया, इनका कोई अभी तक रिवर्ट नहीं आया, हाँ हम आपके नियमों को मानने के लिए तैयार हैं और हम आपके नियमों के ऊपर कंप्लायंस करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखने को ये मिल रहा है कि मिनिस्ट्री ने एक तरीके का फाइनल वार्निंग या एक तरीके का फाइनल नोटिस ट्विटर यूएसए को लिखकर भेज दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमको ये देखने को मिले कि ट्विटर शायद बैन हो जाए या काफी सारे और भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि एक व्हाट्सएप वर्सेज इंडियन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी चल रहा है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें और पार्ट बने लॉ डॉक्टर फैमिली का। ये फाइनल वार्निंग और फाइनल नोटिस देना बहुत जरूरी था ट्विटर को, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कई बार इनके ऑफिस में रेड भी मारी, ट्विटर के ऑफिस में रेड मारी, मगर वहां पर कोई भी नहीं मिला, तो इनका ट्विटर ऑफिस तक गायब है। तो अब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री को भी लगने लग गया है कि ट्विटर के ऊपर अब एक्शन लेने का ये सही समय है, और हम भी चाहते हैं कि ट्विटर के ऊपर इस तरीके का एक्शन लिया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया कि जो आरएसएस के टॉप लीडर्स हैं या फिर जो नेशनलिस्ट हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर से ब्लू टिक हटा दिया गया है, उनको अनवेरीफाइड कर दिया गया है, काफी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया जाता है बिना उनकी सुनवाई के, बिना उनकी सारे पक्ष रखे। तो मिनिस्ट्री का कहना यही था कि अगर किसी भी तरीके की कंप्लेंट आपके पास आती है किसी यूजर की तरफ से या फिर यूजर के अगेंस्ट, तो उसके पास 15 दिन का समय होना चाहिए अपनी बात रखने का। तो इस तरीके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करी थी मिनिस्ट्री ने और उसके ऊपर कंप्लायंस करने के लिए कहा था, साथ में नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर रखने के लिए कहा था, कंप्लायंस ऑफिसर रखने के लिए कहा था कि ये सारे ऑफिसर्स रखे जाएंगे, एक ऑफिस प्रॉपरली सेटअप किया जाएगा जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके, और उसके ऊपर कंप्लायंस करने के लिए मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया था ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने तो केस फाइल किया है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनका कहना ये है कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन करते हैं यूजर्स का, और साथ ही ट्विटर तो अभी तक गायब ही है, उनका किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं आया, और कहीं ना कहीं वो कंप्लायंस करने से मना भी कर रहे हैं, शायद वो ना भी करें, और हो सकता है आगे चल के हमको बैन देखने को भी मिले ट्विटर के ऊपर। ये हमारे लिए भी एक तरीके का मैसेज है कि हमको भी फॉरेन ऐप्स के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जो अपने देसी ऐप्स, देसी क्रिएटर्स और डेवलपर्स हैं उनकी ऐप्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनकी ऐप्स डाउनलोड करनी चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो।